आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के खांदरा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल लोकसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी, कृष्णेंदु मुखर्जी सहित इस क्षेत्र के तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बंगाल कभी धार्मिक नवजागरण की भूमि हुआ करता था, जहाँ पर धर्म का क्षेत्र हो या संस्कृति, महापुरुषों ने जन्म लिया है, आज वहां पर ऐसी हालत हो गई है कि अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उस पर झूठा मामला दर्ज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर जन्म लेने वाले कृतिवास ओझा ने बांग्ला में रामायण की रचना की थी, लेकिन आज बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है और ऐसे दंगइयों को राज्य सरकार का संरक्षण मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इस तरह के दंगे उत्तर प्रदेश में किए गए होते तो वह दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देते। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़ा माफिया गले में तख्ती लटका कर दया की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मेहनत मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन कर लेगा, लेकिन अपराध के रास्ते पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के संग्राम में बंगाल के कोठारी बंधुओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि जब राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ तब तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई भी उस उद्घाटन समारोह में शामिल होने नहीं गया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल में माँ दुर्गा माँ काली की पूजा की जाती है, वहाँ पर संदेश खाली जैसी घटनाएं होती है, जहाँ महिलाओं पर मातृशक्ति पर अवर्णनीय अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन अत्याचारियों को बचाने की कोशिश करती है। योगी आदित्यनाथ ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा कि अगर वह भी बंगाल को उत्तर प्रदेश की तरह दंगा मुक्त भय मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में मतदान करें। उन्होंने कहा कि एकमात्र भाजपा के नेतृत्व में ही सशक्त भारत और सशक्त बंगाल का निर्माण हो सकता है। प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या की भूमि से जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और बंगाल के अपने भाइयों से अपील करने के लिए, विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। बहन और भाइयों, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा अराजकता भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लोहलुहान है। यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है भारत के नवजागरण का संघनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का संघनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार,
भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला यह बंगाल और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लोलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं,